ग्रीष्मकाल के अवकाश के बाद शुक्रवार से महानगर पालिका के स्कूल शुरू हो गई, साथ ही साथ मनपा के नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत हो गई। स्कूल में पहले ही दिन छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य शालेय सामग्री का वितरण किया गया। नागपुर शहर में शुक्रवार से मनपा स्कूल शुरू हो गई है। शुक्रवार को शहर के विवेकानंद नगर स्थित विवेकानंद नगर हिंदी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल भी शुक्रवार को खिल उठी। ग्रीष्मकाल के बाद आज सभी बच्चे पहली बार स्कूल आए और अपने दोस्तों को मिले। स्कूल का पहला दिन था, ये सभी बच्चों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। स्कूल प्रशासन की ओर से भी सभी बच्चों का गुलाब के फूल के साथ स्वागत किया गया, साथ ही नए आए बच्चों को स्कूल की किताबें और पोशाक भी दिए गए। विद्यार्थी शिक्षक सगळे आनंदित आहे। जवळपास आमच्याकडे माझ्याकडे 9 आणि 10 वर्गाचे चालले 75 विद्यार्थी आहे। सगळ्यांना आम्ही फूल व पुस्तक पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तक आणि ड्रेसचं वितरण केलेलं। स्कूल के पहले दिन के बारे में जब हमारी टीम ने बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि वे इंतजार कर रहे थे कि स्कूल कब शुरू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल आने से खुशी हो रही है। मेरा नाम नीता है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे बहुत दिन से रहा थी कि स्कूल कब खुलेगा, और गर्मी की छुट्टी में जब हम घर में थे तो बहुत बोर लगता था, इसलिए हमको रहा थी कि स्कूल कब खुलेगा, पढ़ाई हमारा अच्छा होगा कि नहीं। अभी घर में थे तो बहुत बोर लग रहा था, तो आज हमारा स्कूल खुला तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। ये सब हमारे समय, थैंक यू। पालिका से विवेकानंद नगर हिंदी उच्च प्राथमिक शाला से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्कूल खुला है, तो अभी तो बहुत ही खुश हो रहा है मेरे को तो। और घर की तरफ था तो बहुत ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, अभी स्कूल आ गया तो बहुत इंटरेस्ट होगा मेरे को पढ़ाई में। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।